फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम अपने पेपाल अकाउंट में जो बाई बटन होता है, बाई नाउ का बटन होता है पेमेंट गेटवे के लिए, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। सो प्लीज़, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपने पेपाल के इस वेबसाइट पर आते हैं। तो paypal.com पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी होता है, तो आप paypal.com पे जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आप मेरे प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पेपाल पे 5-6 वीडियोज में बना रखा हूँ पहले से। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बस यही बताऊँगा कि आप पेमेंट गेटवे कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। जो पेमेंट गेटवे का बाई बटन होता है उसको कैसे आप पेपाल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे अपने होम पेज पे आ गए, पहले इसका जो तरीका कुछ अलग था, अभी ये 2017 में इसका तरीका कुछ अलग है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लॉगिन हुए, नीचे आप आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है सेलर टूल, उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपको शो हो रहा है सेलर परफॉर्मेंस। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। इस पर आपको आना है और इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक नए पेज पर हम लैंड करेंगे, उसके बाद से दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पेपाल बटन। यहाँ पे देखिए पेपाल बटन, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अपडेट का। देखिए अपडेट का एक ऑप्शन आएगा और अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए, मैं पहले से कुछ बटन मैं क्रिएट किया हूँ, कुछ सैंपल बटन है, कुछ वैसे मैंने SEO सर्विसेज का एक बटन मैंने क्रिएट किया हुआ है। आपको एक नया बटन क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्रिएट न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू बटन, इस पर आपको जाके क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको कौन सा बटन चाहिए, एड टू कार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे है बाई बटन। हम बाई बटन पे को यहाँ पे करते हैं बाई बटन। सब्सक्राइबेशन भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कौन से आइटम को आप सेल करना चाहते हैं, उस आइटम का आप नाम इंटर करिए। जैसे मैं बल्क एसएमएस देता हूँ तो मैं बल्क एसएमएस यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे है कि प्राइस क्या अपना उसका देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि $20 दूँ, जो भी है मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कस्टमाइज बटन का यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, अगर ए ड्रॉप डाउन करना है तो जैसे कि एग्जाम्पल में आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कैसे इसका बटन आएगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मीडियम लार्ज जो भी कर सकते हैं, बड़ा बटन हो कि छोटा हो कि कैसा हो, ये भी आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप जो भी चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद से कह रहा है कि आप क्या डिस्काउंट कर रहे हैं, कितना टैक्स है, आप जो भी है वो आप यहाँ पर इंटर करिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है क्रिएट बटन, यहाँ मैं थोड़ा जूम करता हूँ, क्रिएट बटन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक कोड आ गया, इस कोड को ले जा करके अपने वेबसाइट में पेस्ट कर देना है तो यहाँ पे इस टाइप का बटन आपको शो होने लगेगा, बाई नाउ का इस टाइप का बटन आपको शो होगा। जो इस बटन पे क्लिक करेगा वो आपके प्रोडक्ट को बाई कर सकता है। कैसे लगाना है सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया हुआ, आप पढ़ भी सकते हैं और डेवलपर जो आपके होते हैं वो जानते हैं कैसे पेपाल का बटन लगाया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप पेपाल का बटन को क्रिएट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।